हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास ऑटोमोबाइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक और स्कूटी में किल स्विच किस तरह इंस्टॉल करें, जो कि काफ़ी मदद करता है रेड लाइट वगैरह में या ट्रैफिक वगैरह में। बार बार आपको आपकी बाइक या स्कूटी की चाबी ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आप किल स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नाम के साथ में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करते आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद एक बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मुझे अभी तक जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हेलो, ये हमारे हैंडल पर इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे हम इसे इस तरीके से। इसके पीछे के दोनों स्क्रू खोल लूँगा, उसके बाद ये हैंडल पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने स्विच लगा चुका है, लगा लिया, अच्छे से फिक्स हो गया है वर्क। अब इसकी जो वायर है इसमें हम थोड़ी वायर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें टंकी के नीचे तक ले आनी है वायर, क्योंकि टंकी के नीचे इस तरफ हमारी यहाँ जो प्लास्टिक का पैनल है इसके पीछे लगी हुई है CDI, वहाँ तक हमें वायर ले आनी है। तो मैं इसमें वायर ज्वाइंट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा। दोस्तों देखिए, मैंने वायर ज्वाइंट कर लिया है इसमें। अब इसको मैं टैंक के नीचे की तरफ ले आता हूँ वायर को, फिर बताता हूँ आपको क्या करना है इसके नीचे। दोस्तों देखिए, तार आ चुके हैं इस तरफ, ठीक है। अब ये इस कवर के पीछे मैं दिखाता हूँ आपको CDI। ये देख सकते हैं आप, ये CDI है, और इसमें ये जो वायर लग रही है ना, ये वाली, हमें ये वायर निकालनी है इसमें से। डायरेक्ट खींचने पे निकल जाएगी हमारी CDI की वायर है पॉजिटिव की, और दूसरी तरफ इसमें नेगेटिव की होती है, उसका काम नहीं है, हमें इसका काम है। तो मैं इसे खींच के निकाल लेता हूँ। दोस्तों निकाल लिए मैंने CDI की वायर। अब इसमें मैं एक वायर स्विच की इसमें लगा दूंगा, और दूसरी वाली CDI में जहाँ से तार निकाली है वहाँ लगा के अच्छे से टेप कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। दोस्तों स्विच लग चुका है, वायरिंग मैंने कर दी, अच्छे से पैक भी कर दिए। अब देखिए, मैं स्विच ऑन करता हूँ और बाइक स्टार्ट करता हूँ। बाइक स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब स्विच ऑफ कर देता हूँ, बाइक बंद, स्विच ऑन करा, अब मैं रेस दे के रखता हूँ, ठीक है। बाइक ऑफ हो गई, अब मैं ये ऑफ में इसमें मैं सेल्फ मारता रहूँगा, सिर्फ सेल्फ लगेगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसे में मैं स्विच ऑन कर दूँगा, स्टार्ट हो जाएगी, ऑफ कर दूँगा बंद हो जाएगी। ये देखिए, सिर्फ सेल्फ लगता रहेगा, स्टार्ट नहीं होगी। स्विच ऑन करके सेल्फ मारूँगा, स्टार्ट हो जाएगी, ऑफ करूँगा बंद हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसे आप भी अपनी बाइक और स्कूटी में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा, इस स्विच को इंस्टॉल करना कितना आसान है, आप भी अपनी बाइक और स्कूटी में इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है ये। और दोस्तों ये जो स्विच है, अगर आपको बाय करना है तो मैंने प्ले स्टोर पर अपना ऐप अपलोड कर रखा है। जो भी मैं प्रोडक्ट अपनी बाइक वगैरह में इंस्टॉल करता हूँ वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस ऐप पर जाके आप जो चाहें वो बाय कर सकते हैं, वो भी आसानी से। दोस्तों अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे नाम के साथ में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर दबा के सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल आएगी, उस पर क्लिक कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास वालों से भी करवाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।